Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दूरसंचार नियामक ट्राई ने रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। मार्च तिमाही के दौरान विभिन्न क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पर खरा नहीं उतरने के चलते यह कदम उठाया गया है। इन चार बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से सबसे भारी जुर्माना रिलायंस जियो को चुकाना पड़ा है, जो कि करीब 25 लाख रुपए की है। यह जुर्माना रिलायंस जियो को अन्य नेटवर्कों के साथ परस्पर संयोजन बिंदु पर जाम, कॉल सेंटर एवं ग्राहक सेवाओं तक पहुंच सहित विभिन्न मदों में लगा है। वहीं अन्य दूरसंचार कंपनियों की बात करें तो भारतीय एयरटेल पर करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, जबकि आइडिया सेलुलर पर 12.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और वोडाफोन इंडिया पर करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। जानकारी के लिए बता दें कि ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने इससे पहले कहा था ट्राई के गुणवत्ता नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब आखिरकार ट्राई द्वारा भारत के बड़े दूरसंचार कंपनियों पर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के नॉर्म्स को पूरा नहीं करने पर जुर्माने लगाए गए हैं। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।